Audio Jungle. हाय दोस्तों, मैं सत्यवीर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी कैंपस सागरा में। तो दोस्तों, मैंने आपको दो वीडियो में पहले ट्रायंगल पढ़ाया था, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग और आयत आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। स्क्वायर वर्ग किसे कहते हैं ये देखते हैं। देखो वर्ग, आज स्टार्ट करेंगे वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं, जैसे उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो अर्थात 90 अंश का हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं। तो देखो कोई भी वर्ग होता है वो आपको देखो इस प्रकार का होता है। ये जो भुजाएं होती हैं चारों, वो क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार की जो आकृति होगी, हमें कोई ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा होगा, उसमें हमें बताना होगा कि उसमें टोटल जो स्क्वायर हैं वो कितने होंगे। तो ज्योमेट्रिकल आकृति में या ज्योमेट्रिकल फिगर में हमें टोटल स्क्वायर्स की संख्या बतानी होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलते हैं और भी पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका। देखो हमें इस वाले फिगर में बताना है टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितनी होगी। तो देखो ये बहुत छोटा फिगर है, इसमें आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। तो देखो मैं इसमें बताऊं आपको, एक तो ये वाला दिखाई दे रहा होगा, एक तो ये वाला वर्ग है आपका, एक हो गया, एक ये वाला हो गया, ऐसे करके दो हो गए, एक आपका ये वाला हो गया, तीन हो गए और एक आपका ये वाला, चार और एक ये सबसे बड़ा वाला, कितने हो गए, पांच हो गए। तो इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर्स की संख्या है वो कितनी आ गई दोस्तों निकल के, पांच। क्योंकि ये छोटा फिगर है, ये बहुत छोटा फिगर है, तो हमने आसानी से काउंट कर लिया, इंडिविजुअल अलग अलग हमने काउंट कर लिए कि कितने स्क्वायर होंगे। लेकिन जैसे ही बड़ी बड़ी आकृति होंगी तो उसमें काउंट करने में हमें समस्या आएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमारी एक ट्रिक होती है, क्या करना होता है, हमारी एक ट्रिक होती है, उससे बहुत आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। जैसे इस वाले फिगर में बताना है टोटल स्क्वायर की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नंबरिंग करेंगे, एक दो, रो में और कॉलम में, रो में और कॉलम में नंबरिंग करनी है, जैसे एक दो, एक दो, ऐसे करके। तो फिर क्या करना होता है, रो का और कॉलम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे रो में दो का मल्टीप्लाई किया, दो इंटू दो, तो कितने हो गए, चार। फिर क्या करते हैं, इस वाले में एक एक नंबर कम करते जाते हैं, दो में एक नंबर कम किया, एक, फिर दो में एक, तो कितना हो गया, एक, तो चार और एक कितने हो गए, पांच। तो हमने इंडिविजुअली काउंट किए तब भी पांच निकल के आए, और अपनी ट्रिक से देखे तब भी पांच निकल के आए। ठीक है, तो रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में उनको ऐड कर देते हैं, तो हमारे स्क्वायर्स की संख्या निकल के आ जाती है। तो देखो इस वाले फिगर में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इस वाले फिगर में देखते हैं। देखो ये वाला फिगर, अगर अब हमें इस वाले फिगर में स्क्वायर की संख्या बतानी है क्या, कितने वर्ग होंगे इस वाले फिगर में, अगर हम इंडिविजुअली इनको काउंट करने बैठ गए तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो देखो दोस्तों इसको तो हम रो बोलते हैं ऐसे करके जो है, और इसको जो सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो रो और कॉलम में हम नंबरिंग करते हैं, तो सबसे पहले देखो नंबरिंग करेंगे, एक दो तीन, ऐसे करके कॉलम में, रो में कर ली, अब कॉलम में करेंगे, एक दो तीन चार पाँच, ये नंबरिंग कर ली। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है हमें, देखो रो का और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर पाँच है, पाँच का और तीन का, ऐसे करके इसका और इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, पाँच तिया कितने हो गए, 15। फिर क्या करते हैं दोस्तों, इसमें एक एक नंबर कम करते जाते हैं, चार पांच में एक नंबर कम किया चार, और तीन में एक नंबर कम किया दो, तो चार दूनी आठ। ठीक है, फिर एक नंबर कम करेंगे तो तीन गुणा एक, तीन एकन तीन, अगर और नीचे आगे तक जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो से फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम एक एक नंबर कम करते जाते हैं, और कहां तक नंबर कम करते हैं, एक नहीं आ जाता तब तक कम करते जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं, आठ पाँच तेरह और तीन
सोलह, सोलह का छः हासिल को कैरी एक हो गया, एक और दो, तो इसमें कितने स्क्वायर हो गए? इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर्स की संख्या है वो कितनी निकल के आ गई दोस्तों? 26 निकल के आ गई। तो एक बात याद रखो कि इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे हम, रो कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। तो रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं और एक एक नंबर कम करते जाते हैं, और कम कहाँ तक करते हैं दोस्तों, एक नंबर आ जाए, एक का आ जाए वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद उसको हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे टोटल ज्योमेट्रिकल जो फिगर है उसमें टोटल स्क्वायर की संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा, और यहाँ पे करेंगे और एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फिगर में आपको बताना है टोटल स्क्वायर की संख्या क्या है, सेम ऐसा ही है, करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको बताऊँगा सेम ऐसा ही है। ठीक है, तो वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करना है हमें, अपनी रो में जो नंबरिंग करनी है, जैसे एक दो तीन चार, ऐसे नंबरिंग की। अब इस वाले में नंबरिंग करनी है एक दो तीन चार पाँच छः नंबरिंग की। अब क्या करना है हमें, वही काम करना है, कॉलम का और रो का मल्टीप्लाई करना है, छः का और चार का मल्टीप्लाई करना है, छः गुणा चार कितने हो गए, 24। ठीक है, फिर एक एक नंबर क्या करना है दोस्तों, कम करना है, छः में एक नंबर कम किया पाँच, चार में एक नंबर किया तीन, पाँच दिया 15, ऐसे ही एक नंबर कम करेंगे इसमें भी, चार दूनी 8, फिर एक नंबर कम करेंगे 3 गुणा 1, बस यहीं तक चलेंगे, आगे चलेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 का कोई नीचे मतलब निकलेगा नहीं। इसको क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे दोस्तों, ऐड करेंगे, देखो 8 और 3 11, 16 और 4 20, हासिल को 2, 2 और 2 4 1 5 50। तो इस वाले फिगर में स्क्वायर की संख्या जो है वो कितनी आ गई दोस्तों निकल के, 50। तो इस वाले फिगर में टोटल वर्ग हैं वो कितने होंगे, 50 होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा, रो और कॉलम के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है और कहाँ तक ले जाना है, जब तक एक नहीं आ जाता, और बाद में उन नंबरों को ऐड कर देना है तो टोटल स्क्वायर की संख्या निकल के आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा, अब आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है, सभी के समय में आ रहा होगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, बहुत धीरे धीरे। अगर इसमें भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट करना या टेलीग्राम ग्रुप में बता देना, कोई भी समस्या हो फिर बता देंगे आपको। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे समझ में आता रहे। देखो आगे वाला देखते हैं, तो दोस्तों आपको इस वाले फिगर में बताना है टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने वर्ग होंगे, आपको ये वाले फिगर में बताना है, इस वाले फिगर में आपको स्क्वायर की संख्या बतानी है। तो पीछे किया था सेम वैसा ही है, एक बार करने की कोशिश करें फिर मैं आपको बताऊंगा, एक बार करने की कोशिश करें सभी। देखो वही काम करेंगे, सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे एक दो तीन चार, ऐसे इसमें करेंगे 2 3 4, फिर क्या करते हैं रो और कॉलम के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, चार का इस चार से, 4 गुणा 4 कितने हो गए, 16 हो गए। फिर क्या करते हैं दोस्तों, एक एक नंबर कम करते जाते हैं, चार में एक किया 3, इस वाले चार में एक नंबर कम किया 3, 3 तरह का 9, फिर एक नंबर कम करेंगे 2 गुणा 2 4, फिर एक नंबर कम करेंगे 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, फिर इसको क्या करते हैं दोस्तों ऐड कर देते हैं, 5 और 9 कितने हो गए 14, और 6 कितने हो गए 20 की 0, और 2 कितने हो गए 2 यहाँ पे, तो 30 हो गए, 30 तो दोस्तों ये आ गए। अब देखो ये वाले जो बने हुए हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे अलग से करूँ तो देखो ऐसे करके ये बन गया, और हमने सबसे पहले वाला क्वेश्चन जो किया था उसमें हमारे कितने स्क्वायर निकल के आए थे, 5, 1 2 3 4, और एक ये बड़ा वाला, तो ऐसी वाली आकृति में कितने स्क्वायर निकल के आए थे, 5। तो इस वाली आकृति में जो है कितने स्क्वायर हैं, 5 स्क्वायर हैं, और ऐसी कितनी दे रखी हैं, 1 2 3 4, 4 दे रखी हैं, एक में 5 स्क्वायर हैं और 4 दे रखी हैं, तो कितने हो गए 20, 30 ये वाले स्क्वायर हैं, 20 वो वाले हैं, तो टोटल कितने हो गए 50। तो इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर की संख्या है वो दोस्तों कितनी निकल के आ गई, 50 आ गई। तो उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आया होगा, सबसे पहले तो
पूरे वाले में हमने काउंट कर लिए, उसके बाद जो अलग से दे रखे ये हमने अलग से निकाल के देखा था, इसमें एक में 5 आ रहे हैं, ऐसे करके 4 दे रखे हैं तो 20 ही हो गए, 30 और 20 कितने हो गए 50। तो इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर की संख्या वो दोस्तों कितनी हुए 50 हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले में, थोड़ा हटके है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे देखते हैं। इस वाले फिगर में आपको जो है स्क्वायर की संख्या बतानी है, इस वाले फिगर में स्क्वायर की संख्या क्या होगी। सेम ऐसा ही है, थोड़ा सा वो है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप देखने में ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कितनी होगी, लेकिन अभी बताऊंगा बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो जो हमने अभी पीछे किया है ये वाली आकृति वैसी ही बन गई जो पीछे हमने किया ऐसे करके, तो आपको पता है इस वाले में कितने स्क्वायर निकल के आ रहे हैं, इसमें कितने 5, अभी पीछे किया था 5 आ रहे हैं, तो ऐसे करके आपने देखो एक ये हो गया 2 3, ऐसी कितनी आकृति दे रखी है 3 दे रखी है, एक में 5 आ रहे हैं स्क्वायर 3 दे रखी है, तो कितने हो गए 15 हो गए। लेकिन इसमें क्या है कि कुछ स्क्वायर ऐसे हैं जो दो बार काउंट हो चुके हैं, जो डबल, जैसे ये वाला है, देखो ये वाला डबल काउंट हो चुका है और ये वाला देखो दो बार काउंट हो चुका है, तो ये जो दो बार काउंट हो चुके हैं उनको क्या करेंगे हम हटा देंगे, इसमें से 2 को हटा देंगे तो कितने आ गए 13। तो इस वाले फिगर में स्क्वायर की संख्या निकल के कितनी आ गई दोस्तों 13 आ गई। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ रहा होगा, वही काम करना है, एक में 5 है 3 दे रखे हैं 15 हो गए, ये जो डबल काउंट हो गए ये वाले इनको हम हटा देंगे इसमें, तो ये दो बार काउंट हो गए, या ऐसे याद रखो ऐसे करके ये 3 दे रखे हैं आपको, तो 2 3 दे रखे हैं तो 2 होंगे, मतलब एक कम होता है, एक कम जो है 2 कॉमन होता है, तो इसको हम हटा देंगे इसमें से, कम कर देंगे तो 13 आ गए। तो इस वाले फिगर में स्क्वायर की संख्या कितनी आ गई दोस्तों 13 आ गई। आगे एक और ऐसा करते हैं और क्लियर हो जाएगा अच्छे से आपको। और आगे एक और देखते हैं तो उसमें क्लियर हो जाएगा आपको ये जो। तो पीछे किया वैसा ही एक और करते हैं, देखो इस वाले फिगर में आपको बताना है स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई, इस वाले फिगर में आपको स्क्वायर्स की संख्या बतानी है, कोशिश करो करने की, जो पीछे किया है सेम वैसा ही है, कोशिश करो। देखो वही काम करते हैं जो मैंने बताया था, अगर हम इसको अलग से देखें इस वाले फिगर में ऐसे करके अलग से देखें तो इस आकृति में कितने स्क्वायर होते हैं 5 होते हैं, तो देखो ऐसी ही आकृति दे रखी है आपको, ये वाली जो आकृति है वो ऐसी ही दे रखी है आपको, ये वाली जो दे रखी है ऐसी आकृति दे रखी है, एक में कितने, तो देखो काउंट करो, एक तो एक आकृति 2 3 4 5 5 दे रखी है आपको, आपको पता है कि एक जो आकृति है उसमें कितने 5 हैं, 5 स्क्वायर हैं, 5 वर्ग हैं, तो ऐसी दे कितनी रखी हैं आपको 5 दे रखी हैं, तो कितने हो गए 25 हो गए। लेकिन कुछ ऐसी भी आकृति हैं जो दो बार काउंट हो चुकी हैं, कौन कौन सी, देखो एक तो ये वाली जो है दो बार काउंट हो गई है, एक ये वाली और एक ये वाली आकृति दो बार काउंट हो चुकी है, तो इनको हम हटा देंगे, तो कितनी है 1 2 3 4 4 हैं, 4 को हटा देंगे तो कितनी हो गई 21। तो इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर की संख्या वो दोस्तों कितनी आ गई 21 आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जितनी आकृति होती है उससे एक कम हटा देते हैं, जितनी आकृति होती हैं उससे एक कम हम क्या करते हैं उसमें से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 4 हमने 5 हैं तो 4 घटा दिया, या वैसे देख लो ये वाली 4 हैं जो डबल काउंट हो चुकी हैं, हमारे टोटल स्क्वायर की संख्या निकल के आ गई। ठीक है, और एक और देखते हैं दोस्तों आगे, इसमें आपको बताना है
टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी होगी? इस वाले फिगर में आपको बताना है स्क्वायर, टोटल वर्ग कितने होंगे इस वाले फिगर में आपको बताना है। कोशिश करो, जो मैंने आपको पहले बताया है वैसी क्वेश्चन है। तो देखो मैं बताता हूँ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, एक एक चीज रट जाएगी, बहुत सिंपल है और बेसिक से बता रहा हूँ। वही काम करते हैं रो में और कॉलम में नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग करते हैं उसमें। क्या फिर क्या करते हैं, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते जाते हैं, 4 6 का और 3 का, 6 × 3 कितने हो गए, 6 × 3 = 18। फिर एक एक नंबर कम करते जाते हैं, 6 में 1 नंबर कम करेंगे 5 और 3 में 1 नंबर कम करेंगे 2, 5 × 2 = 10, ठीक है। फिर एक नंबर कम करेंगे, 4 × 1 = 4, इसको ऐड कर देंगे, कितने हो गए, 8 × 4 = 12, हासिल का 3 = 32 हो गए, 32 तो ये हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाले में और देखेंगे इसमें कितने फिगर हैं, तो 1 2 3 4 और 1 बड़ा वाला, अगर हम अलग से भी देखें ये वाला ऐसे करके, तो कितने स्क्वायर होते हैं इसमें, 5 होते हैं, तो इसमें 5 और इसमें 5, 2 दे रखे हैं, तो 5 इसमें 5 इसमें कितने हो गए, 10 10, और इसमें ऐड कर देंगे तो कितने हो गए, 42। तो इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर की संख्या है वो दोस्तों निकल के कितनी आ गई, 42 आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना होता है, रो का और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं और कहां तक करते जाते हैं, 1 नहीं आ जाता वहां तक करते हैं, फिर उसको ऐड कर देते हैं और हमारे स्क्वायर की संख्या निकल के दोस्तों आ जाती है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। इस वाले फिगर में आपको स्क्वायर की संख्या बतानी है, बहुत आसान है, इसमें आपको स्क्वायर की संख्या बतानी है कि इसमें कितने वर्ग होंगे, कितने वर्ग होंगे इसमें काउंट करने, 10 सेकंड में करने की कोशिश करो, फिर आंसर मैच करना, मैं बताऊंगा, करने की कोशिश करो सभी। देखो अभी जो इसमें हमें स्क्वायर बताने, कितने वर्ग होंगे इस वाले फिगर में, तो अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा था, मैंने बार बार बताया है ऐसे जो बनता है इसमें कितने वर्ग होते हैं, 3 4 और 1 5, तो इस वाले में 5 होते हैं। अगर हम इसको छुपा लें, सबको देखें ऐसे करके, तो यही वाली आकृति दिखाई दे रही है, तो 5 एक आकृति में 5 हैं, तो ऐसे करके देखो, एक तो ये वाली आकृति है आपकी, ये जो है 1 और 1 ये है 2 और 1 ये है 3 दे रखी है हमको, 1 में 5 हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे 15, बहुत सिंपल है, आंसर आ गया। इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है दोस्तों, 15, बहुत सिंपल है। ऐसा ये देखो, 1 में 5 हैं और ऐसे करके कितनी आकृतियां दे रखी हैं हमें, 2 और 3 3 दे रखी हैं, 1 में 5 हैं 3 में कितने हो जाएंगे 15, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना होगा, लेकिन बहुत सिंपल है, अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो समय में आया होगा सभी के, उम्मीद करता हूँ सभी के समय में आया होगा। तो दोस्तों हम स्क्वायर तो काउंट करना सीख गए, बहुत सिंपल था, स्क्वायर तो हम सीख गए, अब हम आगे चलते हैं रेक्टेंगल पे, आयत पे। स्क्वायर सभी के अच्छे से समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल थे, अब हम आगे चलते हैं आयत पे। अब हमें आयत काउंट करने हैं कि आयत कितने होंगे, अगर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखा है तो हमें उसमें बताना है आयत कितने होंगे। तो देखो पहले हम देखते हैं कि आयत किसे कहते हैं, आयत समझ लेते हैं थोड़ा, जैसे ऐसे करके कोई भी दे रखा है, अगर इसे हम परिभाषित करें तो ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात 90° का हो, और आमने सामने की भुजा क्या हो, आमने सामने की भुजा क्या हो दोस्तों, बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या याद रखनी है, कि हर एक वर्ग क्या होता है, आयत होता है, हम वर्गों को भी आयत में ही काउंट करेंगे, ठीक है, ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि हर एक वर्ग आयत होता है, तो हम हर वर्ग को आयत में काउंट करेंगे, समझ में आ गया। तो आयत होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90° का होता है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे जो फिगर दे रखा होगा किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में, तो उसमें हम काउंट करेंगे कि कितने आयत हैं,
देखो मैं पहला क्वेश्चन करूं, बहुत सिंपल से चलेंगे, बहुत बेसिक से चलेंगे। अब हमें इसमें काउंट करना है कि दोस्तों इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे, आयत कितने होंगे। तो देखो मैं आपको बता दूं, एक तो देखो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये वाला आयत बन गया, एक बन गया, और एक आप देखो ये वाला बन गया, दो आयत हो गए, और एक आप देखें तो ऐसे करके बन जाएगा तीन, और एक ऐसे करके बन जाएगा चार। तो इस वाले फिगर में आयत कितने होंगे, रेक्टेंगल कितने होंगे, चार होंगे। और दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि हर एक वर्ग क्या होता है, आयत होता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं इस वाले फिगर में वर्ग कितने होते हैं, पांच होते हैं। चार तो ये आयत आ गए, पांच ये वर्ग आ गए, टोटल कितने आ गए, नौ। टोटल कितने आ गए, नौ। तो इस वाले फिगर में हम बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल की संख्या वो कितनी होगी दोस्तों, नौ होगी। लेकिन इसी चीज को अगर हम काउंट करेंगे तो वही मैंने बताया बहुत टाइम वेस्ट होगा। हम इसको आसानी से कैसे कर सकते हैं, अपनी ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। तो हमारा वही एक काम है नंबरिंग करना। तो देखो रो में और कॉलम में नंबरिंग कर देते हैं, रो और कॉलम में क्या करते हैं दोस्तों, नंबरिंग कर देते हैं। हम जब स्क्वायर काउंट करते थे तो उसमें क्या करते थे, सभी रो और नंबर का मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड करते थे। लेकिन हम रेक्टेंगल काउंट करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले सबको ऐड कर लेंगे फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे रेक्टेंगल की संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे इसमें हम देखें रेक्टेंगल काउंट करने, तो एक और दो कितने हो गए, तीन, रो हो गई। अब कॉलम, एक और दो कितने हो गए, तीन, तीन और तीन, तीन तरह का नौ। तो हमने अपने इंडिविजुअल जो काउंट किए थे उससे भी नौ निकल के आए थे, और अपनी ट्रिक से किए दोस्तों उससे भी नौ निकल के आए। ठीक है, तो वही काम करना है, बस इतना अंतर है कि रो और कॉलम का नंबरों को ऐड करके उसका मल्टीप्लाई ऐड करके उसका क्या कर देते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल रेक्टेंगल की संख्या निकल के आ जाती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी के एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत आसानी से धीरे धीरे मैंने आपको बताया है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें काउंट करने हैं कि रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। इस वाले क्वेश्चन में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम अच्छे से। हमें इस वाले फिगर में बताना है दोस्तों रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। तो देखो वही काम है जो मैं आपको बताते चला आया हूं। रेक्टेंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले ये वाला आपका रो होता है और ये वाला आपका कॉलम होता है। तो रो और कॉलम में सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन नंबरिंग कर ली। उसके बाद क्या करते हैं कि इन रो के और कॉलम के नंबरों को जोड़ लेते हैं, एक दो प्लस तीन। फिर उसके बाद उसका क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे टोटल रेक्टेंगल की संख्या निकल के आ जाती है। तीन और दो पांच, और एक छह, छह और ये वाले भी छह, छिचंग 36। तो इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर की रेक्टेंगल की संख्या निकल के कितनी आ गई दोस्तों, 36 आ गई। बस इतना याद रखना है, इसमें पहले नंबरों को जोड़ लेते हैं और फिर क्या कर देते हैं, फिर जोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे रेक्टेंगल की संख्या निकल के आ जाती है। आगे एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूँ दोस्तों, आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं करना हो तो बहुत जल्दी से कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको इस वाले फिगर में बताना है टोटल रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। इस वाले फिगर में आपको रेक्टेंगल बताने, बहुत आसान है, पीछे वाले जैसा है करें, बहुत आसान है, करने की कोशिश करें। देखो अपना अपना आंसर मैच करें, मैं आपको बताता हूं, वही काम करना है हमें। क्या करना है, नंबरिंग करनी होती है रो और कॉलम में, क्या करना होता है, नंबरिंग करनी होती है। देखो इसको बहुत जल्दी से आंसर लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, चाहो तो ऐसे करके नीचे लिखो, जोड़ो, फिर उसका मल्टीप्लाई करो, लेकिन मुझे दिक्कत ही आंसर लाना है तो क्या करना है, आप देखो ऐसे कर सकते हैं, तीन और दो पाँच और एक छः, ये कितने हो गए, छः हो गए। अब ये कॉलम वाले नंबरों को काउंट करूँ तो मैंने आपको ट्रायंगल में ट्रिक बताई थी कि अगर बहुत सारे, ये तो पांच नंबर हैं, बहुत सारे नंबर दे रखे हैं तो प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए n n+1/2,
ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, n और n प्लस 1 अपॉन 2 प्राकृतिक संख्या दे रखी हो और उनको हमें जोड़ना हो, उसके लिए ट्रिक बताई थी। तो वही ट्रिक यहाँ पे यूज करेंगे। 5 है, 5 के आगे वाला नंबर क्या है 6, 6 30 और 30 का आधा कितना हो गया 15। तो इस वाली रो में कितने नंबर का 15 हो गया और ये 6 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 × 6, 15 × 6 कितने होते हैं 90। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों 90। इस वाले फिगर में टोटल स्क्वायर की संख्या क्या हो गई 90। हमें बहुत देखते ही आंसर कर सकते हैं कि इस वाले रो के और कॉलम के नंबरों को जोड़ो, इसमें क्या होगी 6 और इसको हमने जोड़ा कितने होगी 15, और दोनों का क्या किया मल्टीप्लाई, 15 × 6 90 आंसर आ गया देखते ही। ऐसे नहीं करना है बार बार लिखना है पूरा थ्योरी और हम जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, बस देखते ही नंबर आ जाएगा, ठीक है, देखते ही आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अब देखो इसमें एक बात और क्लियर कर लेते हैं, एक बात और क्लियर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं कि इसमें अगर हमें वो पूछता है कि टोटल कुल रेक्टेंगल पूछता है तो 90 हो गए, अगर वो कह देता है कि ओनली आयत बताने हैं, केवल क्वेश्चन वैसे पूछता नहीं है लेकिन पूछ ले तो फिर भी हम क्लियर कर लेते हैं। अगर वो इसमें कहे कि केवल आयत बताने, केवल आयत का मतलब क्या है कि जो हमने इसमें जो 90 आंसर आया है इसमें आयत भी है और वर्ग भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हर एक वर्ग क्या होता है आयत होता है। तो हमें इसमें हम क्या करेंगे कि 90 में से अगर हम वर्ग की संख्या घटा देंगे तो ओनली रेक्टेंगल केवल आयत निकल के आ जाएंगे। अगर पूछता है क्वेश्चन, एग्जामिनर की क्या भरोसा, कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें सारी चीज़ों की क्या तैयारी होनी चाहिए। तो इसमें से हम वर्ग कैसे घटाएंगे, तो मैंने आपको वर्ग तो काउंट करना बता ही दिया है। स्क्वायर के लिए रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 × 15, फिर एक एक नंबर कम करते हैं, 4 × 2 = 8, फिर एक नंबर कम करते हैं, 3 × 1 तो कितना हो गया 3, इनको हम ऐड कर लेते हैं, 8 × 5 = 13 और 6 = 16 + 8 = 26, इसमें कितने हो गए 26, 26 इसमें से माइनस कर देंगे तो ओनली रेक्टेंगल की संख्या निकल के आ जाएगी, कितनी आ गई दोस्तों 64, कितनी आ गई 64। तो इस वाले फिगर में टोटल, अगर वो कहता है टोटल कुल रेक्टेंगल कितने होंगे तो हम बताएंगे 90, और कहता है केवल आयत कितने होंगे या केवल रेक्टेंगल कितने होंगे तो क्या होंगे दोस्तों 6। अगर पूछ लेता है तो आपको आसानी से बता देना है, केवल आयत पूछे तो हम आयत बता देंगे, टोटल आयत पूछे तो टोटल आयत बता देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चल के और देखते हैं क्वेश्चनों को, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल धीरे धीरे अच्छे से बता रहा हूं मैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आपको इस वाले फिगर में बताना है रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी, इसमें कुल रेक्टेंगल बताने हैं, ठीक है, और कुल रेक्टेंगल बताने इस वाले फिगर में, टोटल रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। 10 सेकंड में करने की कोशिश करें, फिर मैं बताता हूँ। देखो अपना अपना आंसर मैच करेंगे, मैं करके दिखाता हूँ आपको, वही काम करना है, मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले रो और कॉलम में नंबरिंग करनी है, 5, 2, 3, 4, बहुत जल्दी से आंसर लाने के लिए क्या करना है, 5 के आगे वाला नंबर 6, 6 × 5 = 30, 30 का आधा 15 है, यहाँ 5 × 20, 20 का आधा 10, 15 और 10 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 150, 150। तो इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की संख्या निकल के कितनी आएगी 150, क्या टाइम लगा 2 सेकंड, देखते ही आंसर आ जाएगा, केवल हमें देखना है कितने रो हैं कितने कॉलम हैं और उसको ऐड करके उसका मल्टीप्लाई कर देना, देखते ही आंसर आ जाएगा 2 सेकंड में, ठीक है 150 आ गए। अगर हमें वो पूछता है इसमें कि ओनली रेक्टेंगल बताओ, केवल आयत बताओ आयत कितने हैं, ये तो आ गए हमारे टोटल आयत, टोटल रेक्टेंगल, अगर पूछता है केवल आयत बताओ तो क्या करना है, मैं आपको दोस्तों बता चुका हूं कि इसमें से वर्ग की संख्या हम घटा देंगे। वर्ग कैसे करते हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्क्वायर के लिए रो और कॉलम के नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 5 × 20, एक एक नंबर कम करते जाते हैं, 4 × 3 = 12, फिर एक नंबर कम करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर एक नंबर कम करेंगे, 2 × 1 = 2,
तो कितने हो गए ये 8, 0, 40, 40 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ गया दोस्तों 110। तो इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की बात करें 150 होंगे, ओनली रेक्टेंगल की बात करें 110 होंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों बिल्कुल आसानी से अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा आगे, थोड़े इसे नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। आपको इस वाले फिगर में बताना है रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी, इस वाले फिगर में आपको काउंट करना है कि रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। ऐसा ही है, कोशिश करें करने की, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमें रेक्टेंगल बताने, तो वही काम करना है दोस्तों, रो और कॉलम में हम नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1 और 2, वही काम करना है, इसके नंबरों को ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, 6, 6 के आगे वाला नंबर 7, 7 6 42, और 42 का आधा कितना होता है 21, तो इस वाले रो के ऐड कितना हो गया 21 आ गया, 21 हो गया, और ये कितना हो गया 2, 1 कितना हो गया 3 हो गया। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 गुणा 1 + 2, तो ये कितना हो गया 21 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, तो 21 + 63। इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की संख्या क्या आ गई दोस्तों 63 आ गई। इस वाले से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वर्ग थोड़ी है, ये तो ट्रायंगल है, और हमें काउंट क्या करने हैं रेक्टेंगल, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस वाले फिगर में टोटल ट्रायंगल की संख्या क्या आ गई दोस्तों निकल के क्या आ गई 63। अगर हमें इसमें ओनली रेक्टेंगल काउंट करने हो तो क्या करेंगे, ओनली रेक्टेंगल के लिए स्क्वायर घटा देंगे, और स्क्वायर कैसे घटाते हैं, स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, रो और कॉलम के नंबर का मल्टीप्लाई, 6 × 2 = 12, 1 नंबर कम किया 5, कितने हो गए ये 17 हो गए, 17 इसमें से माइनस कर दो, 17 माइनस कर दो, कितने हो गए 6 बचे, 5, 5 में से 1 गया 46। इस वाले फिगर में रेक्टेंगल की बात करें, ओनली रेक्टेंगल 46 हो जाएंगे, और क्या कहते हैं टोटल रेक्टेंगल 63 हो जाएंगे। इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एकदम समझ में आया होगा, इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको केवल सिखाने के लिए सब कर रहा हूँ। नहीं, हम यहीं पर देख सकते हैं 7 × 6 = 42 का आधा 21, और 21 × 3 = 63, बस रेक्टेंगल की संख्या 63 आ गई, इतने टाइम में कर देंगे देखते ही, ठीक है, ये तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और देखते हैं, इससे आगे और करते हैं। देखो आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, आया हुआ है इस वाले फिगर में आपको बताना है रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। ये एमटीएस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, एमटीएस 2019 में इस वाले फिगर में आपको बताना है रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों देख ऑप्शन दे देता हूँ इसके में, 8, 9, 12, 14, बताओ, बहुत जल्दी आंसर आना चाहिए देखते ही। रेक्टेंगल की ऐसे करके पूछा था, यही ऑप्शन दे रखे थे, इसमें हमें बताना रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। तो मैं आपको बता चुका हूँ, वही काम करना है, रो और कॉलम में हमें नंबरिंग करनी है, रो और कॉलम में दोस्तों नंबरिंग करनी है, ये वाली नंबर ऐड कर देंगे, 2 × 1 = 3, और 2 × 2 = 3, 3 × 3 किया तो कितना आ गया 3 × 9, तो इस वाले फिगर में रेक्टेंगल की संख्या वो दोस्तों कितनी हो गई 9 हो गई। तो कोई बहुत आसान है, देखते ही आंसर आ जाता है, बस रो और कॉलम के नंबरों को ऐड करना है और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है और हमारे रेक्टेंगल की संख्या निकल के आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी के समय आया होगा, इस वाली चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसने रेक्टेंगल पूछे, उसने हमें रेक्टेंगल पूछे तो ट्रेंगल से कोई मतलब नहीं है। एक और देखते हैं इसी टाइप का है, वो भी आया हुआ है एग्जाम में,
ये वाले फिगर में आपको बताना है, इस वाले फिगर में बताना है, ये भी एमटीएस 2019 में ही आया था। इसमें बताना है रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी, इसमें भी ऑप्शन वही हैं 8, 9, 12 और 14। इस वाले फिगर में बताना है रेक्टेंगल की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों वही काम करना है, बस रो और कॉलम में अपना नंबरिंग करना है। तो ये कितने हो गए 3, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 3, 3 तो रखा 9, आंसर क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि ये तो ट्रेंगल है और हमें रेक्टेंगल ज्ञात करने। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले फिगर का आंसर क्या आ गया 9 आ गया। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे बहुत सिंपल आते हैं, देखते ही आंसर कर दोगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप का सा थोड़ा इससे हटके क्वेश्चन है, वो बहुत समझने वाला है, उसको अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। वो एग्जाम में आता रहता है, यूपी ट्रप एस सी में पूछा था, 2009 में ही पूछा था यूपी ट्रप एस सी में। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो आपको इस वाले फिगर में सारे फिगर में हमें काउंट करने कितने रेक्टेंगल होंगे। इस वाले फिगर में देखने में लग रहा होगा दोस्तों पता नहीं कितने होंगे कैसे होंगे, लेकिन बहुत आसान है, मैं अभी आपको बताता हूँ काउंट करना कि इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। देखो हमें इसमें रेक्टेंगल बताने, देखो ऐसे करके दे रखा है ये आपको, ऐसे करके। अब आपको ये पता ही है, मैं सबसे पहले बता चुका हूँ कि ऐसी कोई आकृति हो उसमें कितने रेक्टेंगल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 4 तो ये वाले रेक्टेंगल हो गए। प्लस अगर मैं इसमें एक लाइन ये वाली ऐड कर देता हूँ, एक बढ़ा देता हूँ, तो ये कितने रेक्टेंगल देती है दोस्तों। देखो एक तो इसने ये वाला दे दिया और एक ये वाला दे दिया, 2 और एक ये वाला बड़ा वाला दे दिया। तो एक लाइन के ऐड होने से कितने रेक्टेंगल आते हैं, 3, 3 देती है ये वाली जो है, 3 रेक्टेंगल देती है ये वाली लाइन। एक लाइन कितने रेक्टेंगल देती है दोस्तों, 3 देती है। तो एक लाइन 3 देती है और कितनी लाइन दे रखी है आपको, 1, 2, 3, 4, 4 दे रखी है। एक 3 देगी तो 4 कितनी देंगी, 12, 4 * 12, इसमें 12 और ऐड कर देंगे, 12 और 4 कितने हो गए 16। ये तो हो गए ओनली रेक्टेंगल। अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूं तो फिर क्या करेंगे, इसमें 5 वर्ग और ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 21। 5 वर्ग होते हैं इस वाली आकृति में, आपको पता ही है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5, तो 5 वर्ग और काउंट कर देंगे तो टोटल रेक्टेंगल की संख्या है वो कितनी आ गई दोस्तों, 21 आ गई। कितनी आ गई, 21 आ गई। तो याद रखना है ये वाली लाइन जो है हमें 3 नए रेक्टेंगल देगी और ऐसे करके 4 लाइन दे रखी है, 1, 3 देगी तो कितने दे, 4 कितने देंगी, 12, 4 इसमें पहले से है ही हैं तो कितने हो गए 16। अगर 5 और अगर हम वो ऐड कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि ऐड करने पड़ेंगे, तो कितने हो गए 21। तो टोटल रेक्टेंगल की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, निकल के 21 आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो आगे वाले क्वेश्चन में और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक और हम इसी प्रकार का देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम इसी प्रकार का देखते हैं। हमें इस वाले फिगर में जो है रेक्टेंगल की संख्या बतानी है, इस वाले फिगर में बतानी है, कोशिश करो ऐसा ही सेम करने की कोशिश करो, 10 सेकंड है आप करने की कोशिश करो, इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी, पीछे वाले जैसा ही है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला आपका जो है यूपी ट्रपेसी 2009 में पूछा गया था, ठीक है, ये पूछा जा चुका है। तो इसमें मैंने एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दिए, तो इसमें आपको बताना है कि रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पे बताता हूँ ये वाला है, अगर इसमें जो रेक्टेंगल कितने 4 हैं, 4 तो ये वाले हो गए। अगर मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ, ये वाली लाइन तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये कितने नए आयत देगी, 2 और एक ये वाला 3, कितने आयत देगी, तो एक जो ये वाली लाइन है वो 3 आयत देगी, कितने देगी 3 देगी। और ये वाली कितने देगी, एक और दूसरी वाली लाइन कितने देगी, देखो अगर मैं इसमें एक लाइन और ऐड कर देता हूँ तो ये कितने आयत देगी, तो देखो एक तो इसकी इसकी लाइन से एक वाला तो ये बन गया और एक ये बन गया, 2 बन गए, ठीक है,
और एक जो है आपका ये ऐसे करके बन गया, तीन बन गए और एक जो आपका यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो ये जो एक लाइन है वो कितने नए रेक्टेंगल देगी, चार नए रेक्टेंगल देगी। ये वाली लाइन तीन देगी और एक और लाइन के आ जाने से चार नए रेक्टेंगल देगी। तो ऐसे करके ये तीन देगी और लाइन दे रखी है चार, तो कितने हो गए, बारह। बारह तो इससे आगे प्लस ये जो है एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, कितने दो, दो लाइन है और एक दो है, हम एक जो कितने दे रही है, चार दे रही है नए रेक्टेंगल। तो चार दूनी आठ ये वाले हो गए, ठीक है आठ ये वाले हो गए। तो ये कितने हो गए टोटल आपके, बीस और चार चौबीस, प्लस पाँच इसमें हम वर्गों को ऐड कर देंगे तो कितने हो गए 29। तो इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की संख्या दोस्तों 29 होगी, 29। उम्मीद करता हूँ सभी को अच्छे समझ में आया होगा। एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि ये वाली एक लाइन जो है ये यहाँ पर है तो कितने रेक्टेंगल दे रही है, ये ऐसे करके मैं देखूँ तो कितने रेक्टेंगल दे रही है, एक तो ये देती है और एक ये वाले दो और एक ऐसे करके तीन देती है। अगर मैं एक लाइन और ये वाली बढ़ा दूं तो कितने रेक्टेंगल बन जाएंगे, तो देखो इसके बनने से एक ये बन गया और एक ये बन गया और एक आपका ये वाला बन गया और एक यहाँ से यहाँ तक बन गया। तो ये वाली तीन देगी और ये वाले कितने देगी, चार नए रेक्टेंगल देगी। तो चार देगी, दो लाइन दे रखी है आठ हो गए, तीन देगी चार दे रखी है लाइन बारह हो गए, चार इसमें पहले से ही हैं, पांच स्क्वायर ऐड कर देंगे तो 29 निकल के आ गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी प्रकार का। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपको करना है। आपको इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की संख्या बतानी है कि टोटल रेक्टेंगल कितने होंगे। ऐसा ही सेम करने की कोशिश करें, टोटल रेक्टेंगल की संख्या बतानी है, 10 सेकंड का टाइम है। जो मैंने ये वाला किया सेम ऐसा ही है, करने की कोशिश करें, सभी कर सकते हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। देखो अपना अपना आंसर मैच करो, मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारे चार हैं रेक्टेंगल और मैं आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अगर एक लाइन के बढ़ने से तीन नए रेक्टेंगल बन जाते हैं, अगर मैं इसमें एक और लाइन बढ़ा दूँ तो उसके बढ़ने से चार नए रेक्टेंगल बन जाते हैं। बता चुका हूँ कैसे बनते हैं, इसके बढ़ने से तो देखो एक दो और एक यहाँ तक तीन, और इसके बढ़ने से एक दो तीन और एक यहाँ से यहाँ तक चार बन जाते हैं। देखो चार बन जाते हैं और ऐसी कितनी लाइन दे रखी हैं, एक दो तीन चार दे रखी हैं, एक लाइन से चार नए रेक्टेंगल बनने, तो चार से कितने बन गए 16, प्लस 16 ऐड कर दो। एक इस लाइन से तीन रेक्टेंगल, ये चार, ये तीन दे रही है, ये चार लाइन दे रही है, एक के तीन दे रही है और चार लाइन है तो कितने बन गए 12, प्लस 12 कर दो, ठीक है इसको ऐड कर दो, कितने हो गए 6 और 4 10 और 2 12 हासिल को एक 3 32 हो गए, ठीक है कितने रेक्टेंगल हो गए 32 रेक्टेंगल हो गए। इस वाले फिगर में कितने रेक्टेंगल हो गए 32 हो गए। अगर 5 में इसमें स्क्वायर और ऐड कर दूं तो कितने हो गए टोटल रेक्टेंगल, अगर पूछे ओनली रेक्टेंगल तो 32 बता देंगे और कहे के टोटल रेक्टेंगल तो हम 37 बता देंगे, 37 आया तो होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आसानी से अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझे बताना। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि उसमें कितने आयत होंगे, वो और मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से उसको कर सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। अगर आपको ऐसे करके कोई सीधी रेखा दे रखे, ठीक है, और उसमें पूछे कि इस वाले में कितने आयत होंगे,
ऐसे करके कोई सीधी रेखा दे रखे और उसमें पूछे कितने आयत होंगे, रेक्टेंगल होंगे। तो बहुत आसान है दोस्तों, क्या करना है कि सबसे पहले मैं बता चुका हूँ, नंबरिंग करनी है, ऐसे नंबरिंग करनी है और इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। और ऐड करने का मतलब जोड़ देना है, और जोड़ने का आसान तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ कि लास्ट वाले नंबर से आगे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 20 और 20 का आधा कितना, 10। तो इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की संख्या है वो दोस्तों कितनी होगी, 10 होगी। मतलब जैसा हम ट्रायंगल में करते थे सभी नंबरों को जोड़ देते, वैसी कंडीशन यहाँ पे बन रही है, तो सारे नंबरों को हम जोड़ देंगे तो टोटल रेक्टेंगल की संख्या आ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके वैसे काउंट करेंगे इंडिविजुअल, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक और मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, एक और करके देखो, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, कितना बड़ा भी आपको दे। दोस्तों हमें इसमें बताने हैं रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी। दोस्तों कोई भी कितना बड़ा भी आपको एक सीधी रेखा या कैसे भी दे रखी हो, उसमें हमें काउंट करना हो कि टोटल रेक्टेंगल क्या कितने होंगे, तो उसके लिए बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता चुका हूँ, नंबरिंग करनी होती है, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 के आगे वाला नंबर क्या है दोस्तों, 7, 7, 6, 42, 42 का आधा 21। तो इस वाले फिगर में टोटल रेक्टेंगल की संख्या क्या होगी, 21 होगी। बस ये वाले नंबर हैं उनको हम ऐड कर देते हैं और रेक्टेंगल की संख्या निकल के आ जाती है। तो मैं आपको इस वाली वीडियो में वर्ग और आयत दोनों करा चुका हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कैसी भी बुक लगाना, कहीं से आपको डाउट आए तो आप टेलीग्राम चैनल पर, एच डी कैंपस आगरा 1 टेलीग्राम चैनल है, उसमें इसके डाउट भेज सकते हो काउंटिंग फिगर के, या एच डी कैंपस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेज सकते हो। ठीक है, तो भेज सकते हो कोई भी डाउट हो। अब आपको ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं अच्छे से करा चुका हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर करते हैं, अपने घर रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से रहो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।